सर आज बंगाला बस्ती है जो रायपुर रानी में आपके द्वारा खाना वितरित किया गया है, 1000 पैकेट जो हैं खाना के आपने बनवाए थे, तो आगे भी किस तरह का सहयोग जो है जिला प्रशासन का आपके द्वारा किया जाएगा? ये स्वयं जो दरबार दीवा प्रभु दयाल जी से और प्रभु जी दरबार से ये दिया गया, और ये जो रोजाना साथ है ये हमेशा रहेगा, इस साथ रहेगा। बाकी जो जरूरतमंद जहाँ भी होंगे वहीं खाना देने के लिए हम कार्य करेंगे उसके लिए। सर देखा गया है कि आज आपके द्वारा जो बंगाला बस्ती है वहाँ पे 1000 पैकेट खाने के जो हैं पके हुए के पहुँचाए गए हैं, किस तरह से आप लोगों से भी निवेदन करेंगे जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकलें, जरूरतमंदों की मदद करें, उसके लिए आपका एक छोटा सा संदेश हमें चाहिए? बिल्कुल, बोलेंगे कि जो इस समय संसार में महामारी आई हुई है, जिसके पास जितना सहयोग हो सके स्पेस बना करके इंसान दूसरे इंसान की मदद करें, और यही प्रभु जी दरबार का संदेश। सर आपको जो जिला प्रशासन के ADFO साहब हैं, फॉरेस्ट के अन्य अधिकारी हैं, पटवारी साहब हैं दीपक जी, उनके द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है, उनको किस तरह से आप देखते हो, किस तरह का प्रशासन को जो है आपका सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि जैसे वो इन सभी जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं, सतर्क रहने की जो अभेद दौर बता रहे हैं, बहुत अच्छा मतलब कि दौर चला रहे हैं। बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं इनको, और प्रभु जी दरबार और गुरु गद्दी बाबा प्रभु दयाल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मैं इनको सभी प्रशासन को धन्यवाद। आपके द्वारा भी हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से रायपुर आने के दौरे किए जा रहे हैं, बार बार जो सब्जी विक्रेता हैं या दुकानदार हैं उन्हें भी अवगत कराया जा रहा है कि वो सीमित जो रेट हैं उस पे ही दवाई जो अपना सामान है वो बेचें, तो किस तरह से देखते हो कि क्या असर जो जिला प्रशासन की अपीलों का है वो बाजार में पड़ रहा है, और लोगों का किस तरह का सहयोग है जो लॉकडाउन को मिल रहा है? समय समय पर जो प्रशासन से हिदायत दी जा रही है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए मेरा पूरा प्रयास है, ताकि कोरोना वायरस का जो आज आपदा ही है इससे हम बच सके, और इसके लिए मैं जो भी जितने विक्रेता है उनको जो सरकार से हिदायत मिलती है उसके मुताबिक उन्हें इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। लोगों का सहयोग भी ठीक मिल रहा है मेरे को, और उनके मोल भाव जो है किसी तरह कंट्रोल किए जा रहे हैं, और कोई भी इसके विरुद्ध नहीं जा रहा है, मेरे को नजर नहीं आया अभी तक, और सभी सहयोग कर रहे हैं। सर कोई अगर जरूरतमंद ऐसा पाया जाता है जिसको खाने की जरूरत है तो वो जिला प्रशासन में किससे संपर्क कर सकता है, जैसे कि आपकी ड्यूटी रायपुर रानी में लगी हुई है? मेरे से संपर्क करेगा, मैं प्रशासन से जो भी उपलब्ध होगा मैं करवाने के लिए पूरा प्रयास में हूँ, और मेरे को ऊपर से भी पूरी तरह सहायता मिल रही है, और हमें जो भी ट्रस्ट है यहाँ जिनसे मैं अपील करता हूँ बार बार, और वो आगे सहयोग भी कर रहे हैं, जैसे आज ये राशन आया प्रभु दयाल जी, हाँ ये हमारे गुरु गद्दी प्रभु दयाल जी का बहुत ही सहयोग है यहाँ पर, जो ट्रस्ट है जो आज इन्होंने इतने गरीब लोगों को समय पर भोजन उपलब्ध करवाया है, और इनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये हमारा जो आज आपदा आई हुई है अकेले उसके लिए नहीं, पूरे समाज पे पूरे हमारे देश के ऊपर है, और हम एक सैनिक की तरह इसका सामना करेंगे, और हर कदम पे लोगों का सहयोग लेकर के सभी को अपने साथ जोड़ करके हम इसके लिए पूरी तरह लॉकडाउन के लिए, ताकि कोई भी आदमी किसी भोजन के लिए या किसी दिक्कत के लिए बाहर ना जाए, हम यही उपलब्ध कराएंगे।